कुकु, ये शादी तुम हमारे लिए कर रहे हो या अपने लिए? क्योंकि अभी तक तुम और पल्लवी सब नाटक ही करते आए हो, रोके का, मेहंदी का, संगीत का, सभी ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो, है ना? माँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सच तो ये है कि ये शादी हम आपके लिए ही कर रहे थे। माँ, हमें एक साथ देखकर आपकी हेल्थ अच्छी हो रही थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये नाटक जारी रखें, और हमने सोचा कि ये शादी तो सोचा कि ये शादी का नाटक भी कर लेंगे। नहीं माँ, पर अब क्या कोको? माँ सच कहूँ, आप ही ने हमें एहसास दिलाया, आप ही ने हमें एहसास दिलाया कि मैं और पल्लवी अब भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, इस रिश्ते की परवाह करते हैं। 18 साल बाद भी हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह है माँ। और फिर आप ही बताइए ना, गलत फहमियां, नोक झोंक, झगड़े किस रिश्ते में नहीं होते हैं? जहां ये सब है वहां प्यार भी तो है ना। हमारा प्यार इन सबसे बढ़कर है माँ। और जो पिछले दिनों में ये सब हुआ वो? हाँ माँ, वो तो रणवीर ने किया था ना, उसने सबके सामने कबूल भी तो किया है। 18 साल जो रिश्ता 18 साल पहले मैंने पल्लवी के साथ कायम किया था, अब तो वो रिश्ता भी समझदार हो गया है। फिर पता नहीं कि मुझे समझने में इतनी देर क्यों हो गई कि जो गलती मैंने पहले की थी वो मुझसे दोबारा ना हो। पल्लवी और मेरी जगह एक दूसरे के साथ है माँ। साथ तो मेरा लिखा था निखिल के साथ, आपका ना कभी था और ना ही कभी होगा। पर आपको क्या लगता है? हाँ क्या लगता है आपको? 18 साल पहले निखिल ने आपको चुना था। अंधे हो तुम, दिखाई नहीं देता तुम्हें। कब तक खुद को गलत दिलासा देती रहोगी सोनाली तुम? 18 साल पहले निखिल ने मेरा हाथ थामा था और आज फिर से निखिल मेरा हाथ थामने जा रहे हैं। मेरे लिए सबके साथ लड़ने के लिए तैयार है, देखा नहीं तुमने? बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकता। तुम्हें क्या लगता है मुझे डराकर और धमकाकर कुछ बदलेगा? यू आर राइट, एब्सोल्यूटली राइट, कुछ नहीं बदलेगा। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ। आपका परिवार, आपकी इज्जत, आपका स्टेटस, और निखिल की माँ की आंखों में तो ऑलरेडी सब बदल रहा है, बदल चुका है। और ये जो आप सपने देख रही है ना, निखिल के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के, ये सपना कहीं का नहीं रहेगा। खो देंगी आप उसे हमेशा के लिए, जिस नींव पर आपने अपने परफेक्ट परिवार को खड़ा किया है ना, ये रात सबके सामने आती ही सबके सब अपने मुंह के बल गिरेंगी। और आप कहीं की नहीं रहेंगी दी, खो देंगी आप सब कुछ, खो देंगी आप उसे हमेशा के लिए। मेरा प्यार, मेरी खुशियां, मेरा चैन, सब कुछ आपने छीना है। और अब उसी तरीके से मैं आपका परिवार, प्यार, सब कुछ छीन लूंगी आपसे। अब फैसला आपका है दी, आपको क्या करना है? एक तरफ आपके परिवार की भलाई है तो दूसरी तरफ एक ही निशाने में सब तहस नहस हो जाएगा हमेशा के लिए। आप जानती है मेरी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ना आपकी खुशी है, आपकी खुशी ना उसे देखी नहीं जाती। बहुत तकलीफ होती है मुझे, और अपनी तकलीफ दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है सोनाली, कुछ भी। अठारह साल पहले भी तुम्हारी माँ ने तैयार होने में इतना वक्त नहीं लगाया था जितना आज लगा रही है। अरे कैसे हैं आप? इतने बिजी हैं फिर भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं होगा मुझसे। क्या नहीं होगा दी? मेहमानों का स्वागत,
प्रतीक, आप नीचे देखिए तो सही एक बार फिर से, मेरे कुछ खास मेहमान आए, देखिए ना। ये वो नर्स इतने साल पहले, नहीं पहचाना दी। सच बोलने का बहुत शौक है ना आपको, ये राज भी एक सच ही है और ये सच जब अपने पंख फैलाएगा तो आपका परिवार तो ले डूबेगा ही, लेकिन आपके बच्चे क्या होगा उनका, और निक वो क्या सोचेगा आपके बारे में, समझ रही है ना। और वो क्या कहते, हाँ एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, तो जब मैं नीचे जाके आपके परिवार के सामने, बच्चों के सामने, निक के सामने, माँ के सामने, गेस्ट के सामने जब ये सच बताऊंगी, सब मेरी ही बात मानेंगे। पल्लवी, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि यूं ही कोई किसी की फिक्र नहीं करता। तबीयत तो मेरी भी बिगड़ती है, कभी माइग्रेन, सर्दी, लेकिन मेरी इतनी फिक्र, फिक्र का दूसरा नाम ही प्यार है। पहले मैं ये नहीं समझ पाती, लेकिन अब जब समझ ही गई हूं तो क्यों ना वो करूं जो सही है। माना कि हम बहुत पहले अलग हो चुके थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए जिंदगी ने हमें दोबारा मिलाया है, आखिरी बार, ये एहसास दिलाने के लिए कि अब वक्त आ गया है अपनी अपनी राह पर चलने का। इसी को शायद दूसरा मौका कहते हैं, और फिर मैं भी आगे बढ़ूंगी, अटके नहीं रहूंगी दुविधा में, मैं आगे बढ़ना चाहती हूं निखिल, हक है मेरा, है ना। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और बच्चों के माँ बाप होने के नाते बात करेंगे उनके भविष्य के बारे में, लेकिन पति पत्नी नहीं। दीप, आप ये सब मुझसे शादी करोगी सुनाली? ये सब क्या कर दिया आपने? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं सोनाली, मुझसे शादी करोगी? माँ, 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 अपने कपड़े, माँ क्या हो रहा है, बताओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी इसी वक्त शादी कर रहा हूं सोनाली से। क्या? रियली? व्हाट? आप सोनाली माँ से शादी कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज, इस वक्त मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, हमने मिलके ये फैसला लिया है, सोनाली भी शादी के लिए तैयार है और मेरी और पल्लवी की मर्जी है इसमें। अब तो ठीक है ना पल्लवी, तुम यही चाहती थी ना, नीचे आ जाओ, सारी रस्में तो तुम्हें ही पूरी करनी है ना। मम्मी, ये सब क्या है? आप भी चाहती हो माँ, ये कैसे? एक मिनट, तुम लोगों ने जो सुना वही सच है। क्या हो रहा है ये सब? आप करवाओगे इन दोनों की शादी? हाँ, लेकिन क्यों? निखिल और मेरा रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया था, हम दोनों साथ रहने का दिखावा कर रहे थे, इस रिश्ते का बोझ उठा रहे थे हम, कभी लड़कर
तो कभी गलत फहमियों का शिकार बनकर, पर अब ये दिखावा खत्म करने का फैसला लिया हम दोनों ने। तुमने तो हमारे कुकू और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया। अरे कुकू का नहीं, कम से कम अपनी छोटी बहन का तो ख्याल किया होता। माफ करना माँ, कुछ बातें समझने में देर लग गई मुझे। इसे कहते हैं आखिरी बॉल पर सिक्सर मारना। ये कैसे किया तुमने? ये सब सुनाली का कमाल है। कमाल तो है ही, किया कैसे मुझे बताओ तो। देखो अब मेरी निक से शादी होने वाली है, हम ननन भाभी बनने वाले हैं, तो कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए ना ननन भाभी में। सॉरी पल्लवी, वो मन्ना और बरखा तो है नहीं, वरना मैं उन्हीं से कह देती। चूंकि तुम सोनाली की बड़ी बहन हो, इसलिए उसके सिर पर ये दुपट्टा उड़ाने का काम तुम ही करो प्लीज। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।